हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको हारशिंगार की प्लांट के बारे में बताऊंगी कि ये एक मेडिसिनल प्लांट है और इसको हम कैसे बीज से ग्रो कर सकते हैं। वैसे ये कटिंग से भी लग जाता है। कटिंग का मतलब ये है कि आप बरसात के मौसम में इसकी कटिंग लगाएं तो बहुत अच्छी तरह जर्मिनेशन होती है उसकी। पर मैं थोड़ा सा ये एक्सपेरिमेंट करूँगी, काफ़ी गर्मी है तो मैं बरसात आने से के महीना डेढ़ महीना पहले मैं इसको जर्मिनेशन करके देखूँगी। अब हमारे यहाँ काफ़ी एसी चल रहा है और उसके पानी का भी मैं आपको यूज़ दिखाऊंगी। ये एसी का पानी भरा हुआ है और एक मैं आपको ये दिखाऊंगी कि आप हमेशा जिस भी चीज़ के सीड लें वो बिल्कुल ब्राउन या ब्लैक कलर के हो जाए तो आप वो लें। ये बिल्कुल ग्रीन कलर के सीड नहीं लेने। ये मोरपंखी के सीड मैंने मंगवाए थे पर ये बिल्कुल ग्रीन कलर के हैं, इसका जर्मिनेशन नहीं होगा। और ये नीम की निम्बोली जो ग्रीन कलर की है, इसलिए आप हमेशा ऑनलाइन अगर मंगवाते हैं तो वो कई बार आती है शिकायत कि हमारे जर्मिनेट नहीं हुए हैं। उनका ये होता है कि वो ब्राउन ये ग्रीन कलर के तोड़ लेते हैं सीड और उनको धूप में सुखा के ब्राउन या ब्लैक कलर के कर देते हैं। इस वजह यही वजह होती है कि हमारे सीड ग्रो नहीं करते। हमारे सीड टहनी पर ही अच्छी तरह से ब्राउन या ब्लैक हो जाएं तब आप उनको निकालो। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये पोट है, इस पोट में और इसमें मैं लगाऊंगी एक बार सीड जर्मिनेशन करूंगी, फिर मैं अपने फील्ड में लगाऊंगी क्योंकि इसको पूरी बहुत अच्छी जगह चाहिए और एक पेड़ की तरह बन जाता है। एक मैं इसमें ग्रो करूँगी। पोट में आप बिक्री रख दें कोई टूटे हुए घड़े की या पोट की। और इसमें मैं आपको सॉइल बता रही हूँ, ये गार्डन सॉइल और इसमें मैंने थोड़ा सा 50% में गार्डन सॉइल है। ये मैंने सॉइल ली है, इसमें मैंने 50% काउ ये गार्डन सॉइल, 20% काउडंग और वर्मी कंपोस्ट और सूखे पत्तों की जो खाद होती है डीकम्पोस्ट होती है वो मैंने ली है। तो इसमें हम इसका जर्मिनेशन करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी कि पानी हमने कैसा देना है। जो मेरे पास एसी का पानी होता है उसको मैं इस अपने प्लांट्स में यूज़ करती हूँ। आप अगर डाल सकते हैं तो एक दिन के लिए आप अपने पोट में ये पानी डाल के रख दें ताकि ये एयर बबल्स बन रहे हैं तो जब हम अपना सीड लगाएं या कटिंग लगाएं या कुछ भी करें तो हमारा वो जगह से खिसके ना सीड, तो एयर बबल्स निकल जाएं और एयर बिल्कुल ना रहे हमारी सॉइल में। इस बड़े पोट में मैंने 3 सीड डाल दिए हैं और इनको इसी मिट्टी से थोड़ा थोड़ा छुपा देंगे और इसके बाद हम देखेंगे कि हमारी 20-22 दिन के बाद कितनी ग्रोथ हो रही है। और इस छोटे पोट में मैंने 2 सीड डाल दिए हैं, अगर हमारा एक भी जर्मिनेट होता है तो हम सोचेंगे कि हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ। हमेशा आप अगर सीड लगाते हैं तो आप स्प्रेड के पहले आप कप से दे दें, मग से आप पानी से अच्छी तरह पोट को गीला कर दें जो पानी ड्रेनिंग होल से हमारा निकल जाए, उसके बाद कुछ उसको नमी मिलने दो तो उसके बाद आप सीड जर्मिनेट करें। और उसके बाद आप जब भी आप सीड लगाने के बाद हमेशा आप पानी स्प्रेड की सहायता से दें ताकि हमारा सीड वहाँ से हिले नहीं। और जितनी बार भी आपने पानी देना है आप हमेशा सीड से ही दें, ये सॉरी स्प्रेड से ही दें। गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए आप 2 बार भी पानी दे सकते हैं। तो अब हम देखेंगे इसकी जर्मिनेशन कितने टाइम बाद होती है, उसका भी मैं आपको दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, ये मेरे पास हारशिंगार के प्लांट की 17 या 18 दिन की जर्मिनेशन हो चुकी है और बहुत अच्छी जर्मिनेशन हुई है। मैंने तकरीबन 6 या 7 सीड लगाए थे बट इनमें 3 बीज मेरे फूट गए हैं, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है क्योंकि मैंने ये पूरी फुल गर्मी में लगाया। अभी भी हमारे यहाँ पंजाब में बहुत ज़्यादा गर्मी है
तो अब मैं इसकी जो जर्मिनेशन होगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, और उसके बाद जितना बड़ा प्लांट बन जाएगा ताकि हम उसको फील्ड में लगा सकें वहाँ तक मैं इसकी जर्मिनेशन दिखाती रहूँगी, क्योंकि ये सावन के महीने में हम इसको फील्ड में लगाएंगे। एक पानी फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं हारशिंगार के प्लांट की जो जर्मिनेशन है, ये 1 मंथ से ऊपर की हो गई है, यानी ये 1 हफ्ता ऊपर हो चुकी है। तो आप देख रहे हैं बहुत अच्छी इसमें हुई है, सीड फूटे हैं हमारे यहाँ। तो इसके आगे की भी मैं दिखाऊंगी, क्योंकि अभी ये हमारा जो ये प्लांट है ये अभी फील्ड में लगाने वाला तैयार नहीं हुआ, अभी भी ये बेबी प्लांट ही है। ये फ्रेंड्स मेरे हारशिंगार के प्लांट हैं जो अब सावन आ चुका है और बिल्कुल तैयार हैं फील्ड में लगाने के लिए, और मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको दिखाते हुए कि कितनी अच्छी इनकी ग्रोथ हुई है। आप इसी तरह सीड लगाएं और अपने प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा के पर्यावरण को बचाएं, और मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, परिवार में, और लाइक का बटन ज़रूर दबा दें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक्स।